आज हमें देखते हैं कि इलदिक दुर्गेश के जो सुपर टेट के नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हम सभी के मन में बार बार सवाल आ रहा था, बहुत सारा प्रश्न आ रहा था बार बार कि सर जो सुपर टेट के नोट सबसे बेहतर है, उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर नोट्स अगर हैं तो कैसे हैं। हो सकता है ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो। आज इसकी सच्चाई देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से नोट का पैकेट आप लोगों के घर पर पहुंचता है। आज मैंने भी एक इलदिक दुर्गेश की तरफ से लेकर मैं चाह रहा आपके सामने खोलो खोलकर देखूं इस नोट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या केवल सिलेबस को ही कवर किया गया है या सिलेबस के बाहर है। क्योंकि जो परीक्षा हो रही आज आगामी अगर हम देखें 5 सालों से जो पेपर हो रहे हैं वो सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, और खासकर जब पीएनपी की बात करते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में इस नोट्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, और आपके सामने इसको हम लोग ऐसे नोट्स निकलेगा। काफी वजनी नोट्स है, मुझे लग रहा है 3 केजी से भी ज्यादा इसका वजन है। और आइए देखते हैं इस नोट्स में क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके आपके सामने देखिए। ऐसे ही बंडल आपके सामने खुलकर आपके पास आएगा जो 2800 से ज्यादा पेज का, लगभग 3000 पेज का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नोट्स में क्या क्या। पहला आता है ये विश्व भूगोल, जो मुझे लगता है जीएस का पार्ट है, और विविध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस तरह से पहले इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं, बुक की तरह बन जाएगा। और ये हैंड रिटन नोट्स है, देख रहे हैं ये पूरा एनसीईआरटी पे बना हुआ है। अगर हम बात करें तो पूरा एनसीईआरटी पे बना हुआ ये विश्व भूगोल है, और विश्व भूगोल इससे बाहर ये विश्व भूगोल हो गया। हम बात करते हैं भारत का भूगोल, और ये विविध के अंतर्गत भी आते हैं, और ये केवल जब तैयार किए गए किन्हीं कई चीजों का ध्यान रखिए। काफी बेहतर नोट है ये आपका पूरा, अगर हम बात करें तो ये भारत का भूगोल है, ठीक है। तो ये है आपका भारत का भूगोल, पूरा जहां जहां जरूरत पड़ी वहां पे डायग्राम को भी डाला गया है, ठीक है। भारत की नदियां प्रमुख हैं तो वहां पर उन चीजों का पूरा पूरा प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट है पूरा, और ये हो गया दो। अब हम बात करते हैं इतिहास, देखिए इतिहास में 2 इतिहास आते हैं। एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, तो इतिहास में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, लेकिन उससे बाहर भी अगर तैयार करना होगा तो बहुत सारे संस्थान द्वारा आपको वन लाइनर मिलता है। देखिए वन लाइनर नहीं है ये, पूरी तरह से एग्जाम पॉइंट के हिसाब से थियरी, देखिए जहां जहां महत्वपूर्ण वो है, कहां जहां एग्जाम पॉइंट हमारा एग्जाम पॉइंट लिखा गया है आप सभी के लिए, तुलना भी किया गया जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से सवाल, मतलब जहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाता है। ये पूरा ये वन लाइनर नहीं है, बहुत सारे लोगों द्वारा वन लाइनर दिया जाता है, वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं मिल रहा है आपको, ये पता है थ्योरी की नोट्स है। ये प्राचीन भारत के इतिहास हो गया। फिर मध्यकालीन से प्रश्न नहीं आते, जो आते हैं विविध आपको उपलब्ध कराने का यहां पे रहेगा आपको। यह है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी पूरी तरह से थ्योरी है, देख रहे हैं ये पूरी थ्योरी है आपको, प्रमुख विद्रोह देख रहे हैं पूरी थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर आपको है, क्योंकि वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं मिलना है, जब भी सिलेक्शन मिलना है थ्योरी से ही मिलना है आपके लिए, ठीक। आगे बात व्यवस्था, ये भारतीय संविधान की नोट्स है और ये कंप्लीट संविधान है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। आगे भी आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करते हैं, ये भी विविध की एक सीरीज के अंतर्गत आता है। इसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिले गए होंगे निःशुल्क में, मैंने भी देखा था ये, देखिए मैंने शेयर भी किया था। ये यूपी स्पेशल की महत्वपूर्ण है, ये विविध के अंतर्गत भी आते हैं, और देख रहे हैं यहाँ पे सारे टॉपिक है पूरा पूरा, जैसे अभ्यारण कौन कौन से सारे टॉपिक को, मतलब जो भी विविध के अंतर्गत जितने भी थ्योरी आते हैं वो पूरा यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पर आपको दिए गए हैं, किसी चीज की यहाँ पे कमी नहीं छोड़ा गया, यूपी स्पेशल हो गया। फिर आते हैं विविध तथ्य, जो इसके साथ साथ करंट अफेयर की भी सीरीज होती है, इसको फिर हमने फोल्ड कर दिया, ये पूरी बुक बन जाती है बुक की तरह। फिर देखिए यहाँ पे ये खेलकूद से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा कंप्लीटली नोट से इससे बाहर नहीं आएगा, और इसको तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है इससे आपकी बेहतर बड़ी तैयारी हो पाएगी। केवल ऐसा नहीं कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपका केवल और केवल इसी की तैयारी हो पाएगी, जी नहीं, इससे बड़ी परीक्षाओं की भी अच्छी तैयारी हो पाएगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिए पूरी इकोनॉमिक जो है जहां से आपके सिलेबस में है पूरी इकोनॉमिक को यहाँ पे रखा गया है, और उसमें प्रमुख योजनाओं को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आरबीआई भी है, और यहाँ पे कुछ उससे जुड़े काफी जो की पॉइंट है उनको भी यहाँ जहाँ जहाँ डायग्राम है वहाँ पे इन डायग्राम का भी प्रयोग किया गया होगा, आपने भी देखा इन चीजों को। और आगे चलते ये हो गया। अब एक पर्यावरणीय अध्ययन, क्योंकि नाम ही पर्यावरण है तो एक पर्यावरण का अध्ययन का सीरीज है, जो ये भी आपको उसी के नोट के साथ उपलब्ध हो जाएगा। और इसका रिकॉर्ड है कि जब भी कोई भारतीय परीक्षा होती है यहाँ से आपकी परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको हुबहू पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आशीष जी ने लिखा है जो सहायक अध्यापक है इस समय इलदिक दुर्गेश की टीम के। अब आगे बात करते हैं, अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान भी आप जानते हैं 10 नंबर के हैं, विज्ञान पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पे है जितना अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ये भी पूरा हैंड रिटन है, और जो जो चीज आपके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है वो पूरा यहाँ पर है। कुछ लोग वन लाइनर का, जी नहीं ये वन लाइनर नहीं है, ये पूरी तरह से थियरी नोट्स है, थियरी नोट से याद रहे, क्योंकि पूछा जाता है सर क्या वन लाइनर, जी नहीं वन लाइनर नहीं है। बहुत सारे संस्था के द्वारा है कि जो कहते हैं सर एक एक लाइन में दे रहे हैं, एक एक लाइन में कितनी तैयारी कर पाएंगे आप,
आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको भी पता होगा, ये भी आपके सिलेबस में, ये विविध के अंतर्गत है, लेकिन हमने साइंस को अलग से इसमें इंक्लूडेड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। आगे चलते हैं, अगला है आपके सामने विविध के तथ्य। ये विविध तथ्य के जो वन लाइनर याद करना है, ये जीएस के अंतर्गत आ जाते हैं और विविध में भी आते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए महापुरुषों को समाधियां हैं उनके बारे में दिया गया है, उनके जो व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमुख दिवस है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन दिवस को भी यहाँ पे मतलब विच टॉपिक, जैसे यहाँ पे देखिए प्रमुख जो पुरस्कार अभी तक मिले हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऐसे भारत रत्न जो अभी तक इनको मिला है, ज्ञान जो प्रमुख आपने देखा होगा पुरस्कार करंट में भी आते हैं, और इसके जो इतिहास भूगोल है उनको भी पढ़ना है। सूचना तकनीकी एक नंबर में आता है, पांच नंबर है सूचना तकनीकी में, आईसीटी में कंप्यूटर भी आता है, तो यहाँ पे सूचना तकनीकी है आप सभी के लिए, और जिसमें कंप्यूटर भी है, सूचना तकनीकी और कंप्यूटर से जोड़ के सब हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार कराई गई है, ठीक है। ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है आपका, ये आपका हैंड रिटन नोट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास को इसमें टाइप कराया गया जरूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें तथ्य काफी ज्यादा थे, लेकिन प्रयास किया जा रहा है जल्दी इसको भी हैंड रिटन उपलब्ध कराया जाने का। देख रहे हैं ये पूरा नोट्स है आपका, जहाँ पे डायग्राम जरूरत पड़ी वहाँ पे डायग्राम भी बनाए गए हैं, और जहाँ पे देखिए ना चित्र की जरूरत पड़ी वहाँ पर चित्र को भी बनाया गया है। तो इन चीज़ों का पूरा पूरा प्रयास किया गया है, और की पॉइंट जैसे जहाँ पे टॉपिक खत्म हो रही है वहाँ पे प्रमुख की पॉइंट भी बनाए गए हैं। लास्ट में देखिएगा बीसीएस दिया गया है, एग्जामिनेशन पॉइंट है, दुर्गेश मैगजीन के नाम से भी होगा, हर चीज़ यहाँ पे दी गई है। प्रयास किया गया सिलेबस के बाहर ना जाने पाए टॉपिक को, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। फिर शिक्षण कौशल है, ये भी पूरा हैंड रिटन नोट से बार बार पूछा जाता है, कि बहुत सारे लोगों के द्वारा वन लाइनर दिया जा रहा है, लेकिन वन लाइनर ही पूरी थियरी नोट्स है। देख रहे हैं ये पूरी देख रहे हैं संज्ञानात्मक पूरा जितना भी आपका टॉपिक है पूरा अकॉर्डिंग टू माइंड कॉन्सेप्ट जो मैथ के हिसाब से दिया गया है, कि अगर वन लाइनर आता है मिलान करने के लिए आता है, इसमें कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देख रहे हैं ना पूरा पूरा है। फिर यहाँ पे जैसे प्राइमरी शिक्षा का नवीन प्रयास में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रमुख आर्टिकल्स हैं, मतलब केवल सिलेबस को नहीं कवर किया गया, ध्यान रहे हम सिलेबस के बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस बना के नोट्स दे रहे हैं सर ये पढ़ लिया सिलेबस कवर हो जाएगा, जी नहीं, उससे बाहर जाना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, और उससे बेहतर अगर किसी और बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगे दो ई लर्निंग में दुर्गेश के नोट्स क्यों बेस्ट है, आप भी लोगों को भी बताएं हाँ यार ई लर्निंग में दुर्गेश के नोट्स पढ़िए, वो आपके लिए ज्यादा के शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन भी है, फिर इसमें समाज मतलब हर वो टॉपिक है जिसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा जीवन कौशल पूरा कंप्लीट हो गया, शिक्षण कौशल। अब आते हैं जीवन कौशल की बात करते हैं, तो जो जीवन कौशल है ये भी 10-10 अंक के लेकिन कंप्लीटली नोट्स आपके पास हैं, ये भी देखिए पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, जहां जहां आपके टॉपिक है सिलेबस में उनको पूरा पूरा रखा गया है। देख रहे हैं पूरी तरह से मतलब बाहर चीजें ना जाने पाए, सावधानी मानवीय मूल्य क्या है, ओपरा एनसीईआरटी डेटा का प्रयोग किया गया, एनसीटी क्या है, सबके बारे में, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं पिछले 10 साल में बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में अन्य जगह, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, नवोदय विद्यालय हो, उन और इन सभी का हम लोगों ने पूरा पूरा प्रयोग किया है ताकि आपको चीजें अच्छी मिल जाए। और यहाँ पे हमने देखा ये संस्कृत है, अच्छा ये 10 नंबर के संस्कृत आते हैं, ये भी हस्तलिखित नोट्स हैं, ये देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से हैं, इसमें ट्रिक का भी पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया, जहां जहां जरूरत पड़ी है ट्रिक का वहां पे ट्रिक को जोड़ा गया है, और जहां पे जो जो चीज जरूरत पड़ी है वो है आपकी पूरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत। आगे चलते हैं, ये हो गया संस्कृत नोट्स, बहुत सारे नोट्स आपके पास, ये हिंदी के नोट्स है, ये भी क्लास नोट्स हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के, और यहाँ पे देख रहे ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है पूरा, ये व्याकरण क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने देखा ये क्लास नोट्स है, आपको पूरा ट्रिक का इस्तेमाल किया गया ताकि आपको अध्ययन अध्यापन करने में आसानी हो पूरा, तो ये आप इसे एक बार तैयार कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग विद दुर्गेश के नंबर आपको होगा डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा, ये इंग्लिश था, ये इसको अभी टाइप कराया गया है, अभी जल्दी समय मिलता है तो इसको आपको हैंड रिटन करा दिया जाएगा, क्योंकि हैंड रिटन दिक्कत हो रही थी अंग्रेजी में कि राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से लोगों को पढ़ने में समस्या होती, इसलिए इस नोट्स को यहाँ पर टाइप कराया गया, लेकिन जल्दी में प्रयास करेंगे ये भी जो लर्निंग विद दुर्गेश के मेंबर उनसे हम कह देंगे कि वो लोग भी इसे आपको टाइप कराने जगह हैंड रिटन आपको उपलब्ध कराने का पूरा पूरा प्रयास करें, कहीं एक आधो टूटा मिल जाएंगे। रीजनिंग का नोट्स, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों तक रीजनिंग के नोट्स नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब रीजनिंग के नोट्स पहुंच जाएगी, और जो भी साथी अभी तक नोट्स लिए थे जिन तक उनके पास जो एक दो नोट्स नहीं पहुंच पाए थे उनको भी जल्दी नोट्स मिल जाएगा, वो लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से संपर्क कर लेंगे तो चीजें वहां से आपको मिल जाएगी। देखिए पूरी रीजनिंग के नोट्स है, ये पूरा जितना भी सिलेबस में है पूरा उस सिलेबस को पूरा पूरा कवर किया गया है और आपके लिए तैयार किया गया रीजनिंग, और रीजनिंग आपको पता है केवल प्रैक्टिस से ही आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल एक ही तरीका, इसको प्रैक्टिस जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप इसको स्कोर कर लेंगे। लास्ट में आती है गणित, और गणित भी बेहतर है, और ये गणित के नोट्स से पूरी हैंड रिटन है पूरा
क्योंकि इसके साथ साथ आप किताब भी रखेंगे और किताब के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट है आपके, देखने पूरा ट्रिक का पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया है और जाकि आपको अध्ययन करने में काफी आसानी हो जाए, तो इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने पठन पाठन के लिए। प्राय संस्था के द्वारा गणित के नोट्स नहीं दिए जाते, गणित की भी जरूरी है, किताब आप पढ़िए बेशक, लेकिन एक आइडिया हो जाना चाहिए कैसे कैसे होगा। इसकी वीडियोज भी आपको लर्निंग तरीके से मिल जाएंगी, मेरी भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। हमें हमेशा ये प्रयास करेंगे कि तथ्य हमेशा आपके सिलेबस से, ये पूरा कंप्लीटली ये लगभग 3000 से ज्यादा पेज के हैं और लर्निंग दुर्गेश के। हाँ, अब ये मैं कह सकता हूँ लर्निंग दुर्गेश सबसे बेस्ट है। अभी हो सकता है कि नहीं सर ये कमेंट की बात है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हिमालय दुनिया की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची, सॉरी हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या यह घमंड की बात है? अगर मैं कहूं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटूगढ़ नेशनल है तो घमंड की बात है? जी नहीं, जो ऊंचा है तो ऊंचा है। अगर कह दिया सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है तो है, तो इस तरह से मैंने भी देखा है, बहुत सारे नोट्स हैं, इतने मोटे नोट्स है पूरा, देख रहे ये इतना इतना ज्यादा हो रहा है, ये पूरा सिलेबस को कवर किया गया है और सिलेबस के बाहर भी हमने पूरा पूरा प्रयास किया। गिनती करते इसमें कुल नोट्स की संख्या कितनी है, लेकिन प्रश्न आता सर कितने नोट्स आपके पास पहुंचे, जिनके पास कम पहुंचे होंगे इलेने भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले लेंगे तो सब आपको जुड़ जाएगा। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुल 21 नोट्स है जो आपके घर तक लर्निंग दुर्गेश की टीम पहुंचाने का काम करती है। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसमें एक नोट आपको कम लग रहा होगा, करंट का। देखिए करंट के नोट्स इसलिए आप अभी ला भी लीजिए क्योंकि करंट के नोट्स पता नहीं परीक्षा कब होनी है, तो जब परीक्षा नजदीक आएगी तो आपको लर्निंग दुर्गेश पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगी, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और लर्निंग दुर्गेश के टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मत पढ़िए क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे आज का करंट कल का आधुनिक भारत का इतिहास बन जाएगा। पता नहीं परीक्षा 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 4 महीने बाद, जितने दिन के बाद है, तो उतना समय उसको वीक जोन को पढ़िए जो अभी तक आपका वीक था, उनको पढ़ने पर प्रयास करिए। बाकी समय जब आपके पास और नजदीक आ जाएगा तो हम प्रयास करेंगे आपको और शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराएंगे, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो एक बार की मुझे ये लगता है लर्निंग विद दुर्गेश के नोट सबसे बेस्ट है पूरे प्रदेश में। बहुत सारे नोट्स आपको मिलने होंगे लेकिन इससे बेहतर शायद ही आपको मिल जाए। ये घमंड की बात नहीं है, ये गर्व की बात है और मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा जो इस नोट्स को बनाने में और आप तक पहुंचाने में इसको तैयार किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार नोट्स के बारे में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपने इस नोट्स को लिया होगा। अगर आपके पास कोई नोट्स ना पहुंचा हो तब तुरंत व्हाट्सएप करिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी क्योंकि कहीं से प्रिंट आउट होती है कहीं से और पोस्ट होती है कहीं से, तब बजा के पहुंचती है, मैंने कई चरण के बाद तब आपके पास पहुंचती है। और मैं धन्यवाद फिर से कहना चाहूंगा आप सभी का और लर्निंग विद दुर्गेश का। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और आप भी बताइएगा कि लर्निंग विद दुर्गेश के शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टोट के नोट कैसे लगे, क्या इसमें कोई कमी रह गई, क्या सुधार किया जाएगा। हमेशा लगातार हम अपडेट करते रहेंगे, प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसा नहीं जो अपडेट होगा आपको नहीं मिलेगा, हमेशा अपडेट होते रहिए क्योंकि हमेशा रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं और आप रेस के घोड़े, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। तो शुरू करते हैं आज से आपकी रेस लर्निंग विद दुर्गेश के नोट साथ। जय हिंद जय भारत। पढ़िएगा एक बार, हम भी फिर से इसको रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे, आप भी देख के बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।